मेहता का उल्टा चश्मा। और अब्दुल मियाँ, आप बबन भाई? अरे अरे बबन भाई, बबन भाई, एक मिनट, आपका कुरियर आया हुआ है। मेरा? हाँ, आप घर पे थे नहीं, इसलिए कुरियर मैंने ले लिया। अरे अच्छा किया, ला ला ला, दे भाई दे। एक मिनट, ये लीजिए। कहाँ से आया है? अरे ये तो कश्मीर से आया है। अरे वाह बबन भाई, आपका कश्मीर में कौन रहता है? कोई नहीं भाई। तो फिर ये कुरियर किसने भेजा? पता नहीं, भेजने वाले ने अपना नाम भी नहीं लिखा है। एक काम करता हूँ, घर जाके देखता हूँ। चल अभी थोड़ी देर में मिलते हैं। हाँ ठीक है ठीक। किसने भेजा है ये कुरियर? ओहो हो, कश्मीरी कहवा। अरे वाह क्या बात है, ये क्या है? सलाम नमस्ते, दिल अजीज पत्रकार पोपटलाल जी, मैं कश्मीर के गुलमर्ग से समीर हूँ। मैं हर शुक्रवार को तूफान एक्सप्रेस डिजिटल पर रिलीज होती आपकी कॉलम जनता सब जानती है का बहुत बड़ा फैन हूँ। भाई आपकी तीखी कलम आवाम के हर टॉपिक को बड़ी गहराई से बयां करती है। थैंक यू। आप तूफान एक्सप्रेस में आगे भी ऐसे ही निडरता के साथ लिखते रहें और देश और दुनिया में बहुत बड़ा मकाम हासिल करें। थैंक यू। मैं इस खत के साथ आपके लिए एक छोटी सी सौगात, हमारे कश्मीर का मशहूर कश्मीरी कावा भेज रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ आप इसे कबूल करें। गुड बाय, जय हिंद। अरे जरूर जरूर समीर जी, जरूर कबूल करूंगा। थैंक यू सो मच, आपने इतनी दूर से मेरे लिए सौगात भेजी है, ये दिल खुश खुश हो गया। भाई वाह वाह वाह, भाई क्या बात है, आहा, डिब्बे से इतनी खुशबू आ रही है, तो जब कावा बनेगा और उसे मैं पीऊंगा तब तो दिल बाग बाग हो जाएगा। भाई वाह, लेकिन इसे अकेले पीने का मजा नहीं, असली मजा सबके साथ आता है। एक काम करता हूँ, वैसे भी आज जल्दी आ गया हूँ, अपने गोकुलधाम के सारे दोस्तों को यहीं घर पर बुलाता हूँ और कश्मीरी कहवा की महफिल जमाते हैं। यस, आज सोडा शॉप पर जाना कैंसल कैंसल कैंसल। मैं तो सबको फोन कर देता हूँ। अंजलि, मेरी प्यारी प्यारी अंजलि, थैंक यू सो मच। कल अपन जरूर रमी खेलेंगे, पिज्जा भी खाएंगे। पिज्जा? ये लो, आपका फोन आ गया होगा, सोडा शॉप बुला रहे होंगे। बिल्कुल, पोपटलाल का फोन है। आप फोन पे बात कीजिए, मैं अभी है। हाँ, पोपटलाल बस निकल ही रहा हूँ, पहुंच रहा हूँ सोडा शॉप पे। नहीं नहीं, सोडा शॉप पर मत जाइए, सीधे मेरे घर पर आ जाइए। क्यों, तुम्हारे घर पे क्यों, कोई प्रॉब्लम हुई है? अरे नहीं नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर? मैंने अपने दोस्तों की आज की शाम को खास बनाने का प्रोग्राम रखा है मेरे घर पर। नहीं 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 यार, तुम्हारे खास प्रोग्राम में मेरी कोई दिलचस्पी नहीं है। तुम खास खास कहते हो और फिर पता नहीं क्या करते हो। एक बार तुमने खास कह के घर पे बुलाया और चने खिला दिए सबको। अरे मेहता साहब, उस वक्त हरे चने की सीजन चल रही थी और मेरे दोस्त ने बोरी भर कर चने भेज दिए थे, तो मैंने आप सबको बुला लिया था। तो इस बार बोरी भर के क्या आया है? अरे नहीं नहीं, इस बार कुछ अलग है। अलग क्या? अरे भाई आप सवाल बहुत करते हैं, चलिए बता देता हूँ। मैंने अपने खास दोस्तों की आज की शाम को खास बनाने के लिए मेरे घर पर खास कश्मीरी कावा का प्रोग्राम रखा है। कश्मीरी कावा? यार वो तो मेरा फेवरेट है, पक्का मजा आएगा। अरे तो फिर फटाफट आ जाइए मेरे घर पर, हम लोग कश्मीरी कावा पीते पीते गाना गाएंगे। कावा कावा पियेंगे सब, कावा कावा पीजिए सब, कावा कावा। चलो चलो मैं आता हूँ, बाकी सबको बोल दिया ना? आप सिर्फ जेठालाल को बोल दीजिए, बाकी सबको मैं बता देता हूँ। लेकिन एक बात बताओ मुझे पोपटलाल, तुम बिना बात के एक रुपया खर्च नहीं करते, आज क्या हुआ ऐसा अचानक कश्मीरी कावा की पार्टी भाई है? अरे मेहता साहब आप बहुत सवाल करते हैं भाई, आप घर पर आइए ना, सब बताता हूँ। ठीक है चलो, ओके आता हूँ। जेठालाल को बताना मत भूलिएगा। हाँ हाँ, मैं जेठालाल को बोलता हूँ। ओके, कावा कावा पीजिए सब, कावा कावा।
मैं तो सब आ रहा हूँ, सोडा शॉप पे आ रहा हूँ। नहीं नहीं जेठालाल, सोडा शॉप पे नहीं आना है, पोपटलाल के घर आना है। क्यों? अभी पोपटलाल ने कहा आज सब यहीं आ जाओ। अरे पर क्यों? अरे भाई वो सभी दोस्तों को कश्मीरी कावा की पार्टी देना चाहता है। कश्मीरी कावा? हाँ। अरे वाह मजा आएगा। लेकिन क्यों भाई अचानक कश्मीरी कावा की पार्टी क्यों दे रहा है भाई वो? पता नहीं भाई, पूछा तो मैंने भी था लेकिन कुछ बताया नहीं। अच्छा तो बाकी सब भी वहीं आ रहे हैं क्या? हाँ ठीक है, फिर पा क्या करो, पोपटलाल के घर चलते हैं। चलो। ओके अंजलि। हाँ? सुन मैं जा रहा हूँ और मेरे पास चाबियाँ हैं। ठीक है? ठीक। ओके। अच्छा सुनिए। हाँ? Love you. Bye. Bye. अरे माधवी, मैं फोन चार्जिंग पे रख रहा हूँ, सोडा शॉप पे जा रहा हूँ, फोन लेके नहीं जा रहा हूँ। साइलेंट करूँ तो ना लपड़स नहीं। चल अय्यर भाई, सोड़ी और मेहता साहब को मैंने बता दिया, मेहता साहब जेठालाल को बता देंगे, सोड़ी हाथी भाई को बता देगा। कौन रह गया? अरे हाँ भिड़े। अरे भिड़े कैसे रह गया? भिड़े को फोन करके बता देता हूँ। फोन नहीं लग रहा है, एक काम करता हूँ उसे अभी मैसेज भेज देता हूँ, थोड़ी देर के बाद फोन ट्राई कर लूंगा। चलो सबको बता दिया, अब मैं भी फ्रेश हो जाता हूँ। यस। मैंने भी पहली बार सुना। अरे डॉक्टर आती छोड़ी। अरे मेहता साहब। मेहता साहब आते भाई छोड़ी। आओ भाई आओ जेठालाल। क्या टाइम पे आ गए सब लोग? एकदम एकदम एकदम। सब तो आ गए, भिड़े का? भिड़े? कहीं हम सबसे पहले पोपटलाल के घर पे तो नहीं पहुंच गया? पता नहीं, हो भी सकता है। तो हम जा ही रहे ना, वहाँ होगा तो मिल जाएगा, नहीं तो आके ज्वाइन कर लेगा हमें बाद। हाँ ठीक है चलो। चलो भाई चलो, आज तो अलग तरीके की पार्टी करने को मिलेगी। हाँ पर ये कावा पार्टी में मजा आना चाहिए। अरे मजा आना क्या चाहिए डॉक्टर आती, बहुत मजा आएगा। अरे कोई ऐसा वैसा कावा थोड़ी, कश्मीरी कावा है। वाह आपने पिया कश्मीरी कावा? हाँ बहुत। कहाँ? कश्मीर में? अरे नहीं नहीं मुंबई में। अच्छा। हाँ। ओ, वैसे भी आती ब्रा, जहाँ चार यार मिल जाए वो मजा ही मजा होता है। हाँ, वो तो है, वो तो है भैया, सही बात है। आज तो कहते हैं बोलो कावा कावा। लेकिन अच्छा है पोपटलाल ने कावा पार्टी रखी है, मजा आएगा। रोज रोज छोड़ा तो मेरे कहने का मतलब है कि चाचा जी ने तुमको जो संस्कार दिया है ना, तो उसका वजह से तुम कैसे गिरेगा जेठालाल? वाह यार वाह, क्या संभाला है। सॉरी क्या संभाला, मैं दज बोल रहा है। पर ये सब छोड़ो यार, लेकिन जेठालाल की बात बिल्कुल सही है, ये सीढ़ियां कोई जगह मजाक करने की? तो नहीं क्या है मेहता साहब कि मैं पोपटलाल के घर पर जा रहा था तो सीढ़ियों पर आप लोगों का आवाज सुना, तो मेरे को एक है ना छोटे से मजाक का आइडिया आया, तो वो मैंने किया। छोटा सा मजाक? अरे किसी दिन सांप से सच में सामना हो जाएगा ना, तो छोटी बड़ी सारी हेकड़ी निकल जाएगी आपकी। अरे सॉरी सॉरी जेठालाल सॉरी, सबको सॉरी, सबको सॉरी। अभी चलो पोपटलाल ऊपर राह देख रहा होगा। चलो चलो यारो चल के पार्टी शुरू करते हैं। आपको बच्चे है क्या आप छोटे से? अब्दुल दुकान बंद करके कहाँ जा रहे हो, और पुरुष मंडली कहाँ है, कोई आया नहीं अभी तक? सोड़ी भाई का फोन आया था कि आज सोडा पीने के लिए कोई नहीं आएगा। क्यों? वो तो पता नहीं। कमाल है, कहाँ गए सब? बाहर गए क्या? बाहर तो कोई नहीं गया। क्यों आपको नहीं पता कि सब दिन कहाँ गए? नहीं। हाँ हो सकता है यारों की महफिल मेहता साहब के घर में जमी हो सकता है। ठीक है चलो मिलते हैं, गुड नाइट। ओके गुड नाइट। हाँ बबीता जी, मैं आप ही को फोन लगा रही थी। लेकिन मेरा फोन तो घर पे है। सॉरी बोलिए क्या काम था? वो एक्चुअली मुझे ना 1 किलो मैंगो अचार चाहिए मेरी कजिन के लिए, कलकत्ता कोरियर करना है। हाँ हाँ मिल जाएगा। ओके ग्रेट ग्रेट। वैसे आप लोगों का सोडा शॉप का प्रोग्राम खत्म हो गया, कहाँ है बाकी के लोग? नहीं बबीता जी सोडा शॉप पे कोई है नहीं। ओके मुझे लगता है सब लोग मेहता साहब के घर पे बैठे होंगे, तो मैं भी वही जा रहा था। ओके ठीक है, मैं कल सुबह अचार भेज देता हूँ। ठीक है ओके चलो गुड नाइट बाय बाय। अरे भिड़े भाई
हाँ मेहता साहब और बाकी पुरुष मंडली अंदर ही है ना? नहीं वो तो सोडा शॉप गए हैं। सोडा शॉप पे तो कोई नहीं है। अच्छा तो जरूर वो अपने परम मित्र जेठा भाई के घर गए हो। इस वक्त अगर तारक घर पे नहीं होते है ना तो आपको दो ही जगह मिलेगी, क्या तो सोडा शॉप या जेठा भाई के घर। हाँ मेरे ख्याल से सब वही होंगे। ठीक है चलता हूँ। गुड नाइट। गुड नाइट। गुड नाइट। मोबाइल घ्यायला पाहिजे होता। अरे आर्टिकल एकदम रेडी है, आज मेल कर दूंगा। ओके बाय। ऐसे कहीं है मजाक किया रे अभी। अरे बोला मैं सारे आओ आ गए आ गए क्या आ गए सब आ गए आ गए बैठो 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 आ जाओ आ जाओ। जय भाई बहू आ गए सब आ गए। पीड़ू कितने? अरे भेड़े को तूने बताया नहीं? ओए पप्पू तूने हाथीपुरा को बोलने के लिए बोला था, मैंने बोल दिया। हाँ भेड़े को एक्चुअली मैंने फोन ट्राई किया था लेकिन लगा नहीं, तो मैंने उसे मैसेज कर दिया था और सोचा था कि बाद में फोन कर लूंगा। अब कोई नहीं एक बार और फोन कर लेते हैं ना। हाँ कर लो कर लो। आ जाएगा अभी। लगा फोन लगा। हाँ घंटी जा रही है पर उठा नहीं रहा। नो रिप्लाई। पता नहीं कोई टेंशन लेके बैठा होगा। वो अपना पिड़ू ना खा मखा के टेंशन लेता रहता है। वो कभी सोसाइटी की कभी घर की तो कभी बच्चों की। हाँ तो अभी कौन सा टेंशन लेके बैठा होगा वो? तो मैंने की पता यार तुझे पता होना चाहिए, तू भिड़े का पड़ोसी है। ओ जेठा प्रा वो पिड़ू मेरा पड़ोसी है इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि मुझे पिड़ू की सब बात पता होगी। अब अय्यर प्रा पप्पू के पड़ोसी है तो क्या अय्यर प्रा को ये पता है कि पप्पू की शादी कब होगी? अरे ओ भाई ओ सोड़ी तो मेरी शादी को बीच में क्यों ला रहा है भाई? मैं इंडिया का मोस्ट एलिजिबल बैचलर हूँ। मेरी शादी होगी और जरूर होगी। ओ हाँ हाँ पप्पू तेरी शादी होकर रहेगी भाई, हम सब चाहते। क्यों भाई? जल्द से जल्द तेरी शादी हो भाई। थैंक यू दोस्तों, मैं काम करता हूँ, मैं भिड़े को बुला कर लाता हूँ। नहीं नहीं पोपटलाल एक मिनट तुम बैठो, तुम मत जाओ भाई। क्यों? अरे तू तो आज की पार्टी का घोस्ट है ना? क्या घोस्ट? नहीं सर होस्ट मेजबान। हाँ वो हाँ 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 होस्ट। कोई और जगह बुला के लेके आएगा। हाथी भाई तो भिड़े को बुला के लेके आई है ना? मैं मजाक मजाक कर रहा हूँ भाई, मजाक कर रहा हूँ। मैं बुला कर लाता हूँ पीड़ू को। अरे छोटी जरूरत नहीं है जाने की भाई, पोपटलाल ने मैसेज कर दिया है ना, वो पढ़ के आ जाएगा भाई। तो मैं क्या कहता हूँ कि भाई भैया आ जाएगा लेकिन तब तक हम लोग तो अपनी कावा पार्टी शुरू करें ना। नहीं नहीं एक दो मिनट रुकते हैं, उसकी राह देखते हैं। उसके बगैर अगर हमने पार्टी चालू कर दी ना तो उसको बुरा लगेगा, मेरे बगैर आप लोगों ने कावा पार्टी शुरू कर दी। हाँ सही बात है। हाँ वरना आते ही भिड़े बोलेगा कि पार्टी के लिए मेरी परमिशन क्यों नहीं ली। बोल सकते हो। लेकिन एक बात बताओ पोपटलाल, आज कुछ विशेष प्रयोजन है? अचानक सबको एक साथ कश्मीरी कावा पीने के लिए कैसे बुला लिया? वैसे कोई खास बात नहीं है भाई, तूफान एक्सप्रेस में मेरी कॉलम आती है, जनता सब जानती है। हाँ हाँ पता है मुझे। हाँ तो उस कॉलम के बहुत सारे चाहक हैं, उनमें से एक चाहक है जो धरती के स्वर्ग कश्मीर में रहते हैं। ओ वाह क्या बात है। तो उन्होंने मेरी कॉलम पढ़ के खुशी से मेरे लिए ये कहावा भेजा है। वाह वाह पप्पू तेरा चाहक भी है। यार बहुत सारे है भाई, तो मैंने सोचा कि इस कश्मीरी कावे को अकेले अकेले पीने में मजा नहीं है, सबके साथ शेयर करके पीता हूँ, क्योंकि असली मजा तो सबके साथ आता है ना। हाँ सही है, बिल्कुल बिल्कुल। सब मिलके साथ में कावा पार्टी करेंगे, मजा आ जाएगा। नहीं कमाल का बात है बबड़लाल, तूफान एक्सप्रेस कश्मीर में भी पढ़ते हैं। फिर नहीं ना कमाल की बात तो ये है यार भाई, कहने पढ़ते तो है लेकिन पसंद भी करते हैं। क्या मतलब? नहीं मतलब कितनी खुशी की बात है कि तूफान एक्सप्रेस पढ़ के प्रभावित होके तुम्हारे लिए कश्मीरी कावा का गिफ्ट भी भेजा है। बड़ी बात बड़ी बात। हाँ वो तो है। तो पपड़ लिए तूफान एक्सप्रेस जो आज का तूफान एक्सप्रेस है वो तो कितने दिन बाद उधर कश्मीर में मिलता होगा? तुरंत
आज के आज ही मिल जाता है। आज के आज? हाँ, सब डिजिटल हो गया है ना। मैं जो कॉलम लिखता हूँ जनता सब जानती है, तो मेरे पाठक दुनिया में कहीं भी बैठे हो रोज के रोज पढ़ सकते हैं। अरे वाह पोपटलाल, तुम्हारे कश्मीरी पाठक ने कश्मीरी कावा भेजा है, ये सुनकर तो कश्मीरी कावा पीने का मजा दुगना हो गया। नहीं, ये तो बहुत बढ़िया हो गया। और वैसे तुम अपने डिजिटल एडिशन के तूफान एक्सप्रेस के हेड हो गए हो ना? हाँ, लेकिन हमारे सोसाइटी का हेड किधर है? कौन? आत्माराम। नमस्ते चाचा जी। अरे भिंडी मास्टर, कहाँ है सब लोग? कौन सब? ये गोकुल नाम की पुरुष मंडली। जेठा तो अभी थोड़ी देर पहले मुझे बोल के गया कि मैं सोडा शॉप पे जा रहा हूँ। सब लोग कहाँ चले गए? हाँ, हो सकता है सब लोग महसूस कर गए। नहीं, वहाँ पे कोई नहीं चाचा जी, मैं वहीं से आ रहा हूँ। अंजलि भाभी ने बताया कि वो लोग यहीं पे होंगे। तो फिर कहाँ चले गए सब लोग? आज चाचा जी, टेंशन लेने की बात ही नहीं है, सब लोग हाथी भाई के घर पे गए होंगे। सोचा होगा कि मस्त एसी में बैठ के सोडा पीते हैं, तो सब वहीं पे होंगे। हाँ, हाथी के घर बैठे होंगे। बराबर, चलो मैं चलता हूँ। अरे भिड़े भाई, आप? हाँ, सोडा पीने आया हूँ। एक्सक्यूज मी, सभी पुरुष मंडली यहीं आई है ना सोडा पीने के लिए? नहीं तो, इनफैक्ट हंस भी घर पर नहीं है। वो कुछ देर पहले सोडी भाई का फोन आया था, तो हंस तभी से घर से निकल गए। हंस वहाँ सोडा शॉप पे नहीं है? नहीं है। ओह, तो हंस कहाँ गए होंगे? हाँ, सोडी के घर पे गए होंगे आती भाई। आप ही ने बोला था सोडी का फोन आया था। हाँ, याला मंटात खाके कलसा नहीं गावला वर्षा। मतलब बगल में छोरा और शहर में डिंडोरा। No, I got that, पर उसका यहाँ क्या कनेक्शन है? नहीं, मतलब मेरे घर के बाजू में सोडी रहता है और मैं सब जगह ढूंढ रहा हूँ। चलो सॉरी है। It's okay. चलता हूँ। Okay. Enjoy your soda. तो यारो, ये पिलू किधर रह गया? वो तो कोई अता पता ही नहीं। कहाँ रह गया? रिंग जा रही है पर फोन नहीं उठा रहा। कहीं शो तो नहीं गया? क्या तूने सिर्फ ये काव वाली पार्टी रखी है? वो एक कैरम वाली पार्टी रखता तो फिर दिल खुश हो जाता। अरे नहीं भाई, छोटी कैरम की पार्टी की तो बात ही मत कर भाई। वो पार्टी को लेकर तो हमारा नशे भी खराब है। हाँ भाई, आज तक का इतिहास है, बिना कुछ किए हमेशा पकड़े जाते हैं। हम सबकी पत्नी पार्टी शार्टी के नाम से ही बेचैन हो जाती है। इसे छोड़ी, अपनी भावनाओं काबू में रख भाई। अभी पार्टी शार्टी कैरम की बिल्कुल बात मत कर, जो चल रहा है वो चलने दे बस। और अभी पहाड़े झाड़े का नाम मत ले, वरना इसमें भी कुछ प्रॉब्लम हो जाएगा। हाँ भाई, कहीं मेरी ये कावा पार्टी साइड में न रह जाए। सोड़ी, हम लोग किसी और दिन प्लानिंग करके कैरम वाली पार्टी करेंगे, आज ये कावा पार्टी करते हैं। ओ ठीक है ठीक है। तो पोपू, कितने तेरा कश्मीरी कावा? अरे अभी जावा और तुरंत लावा कश्मीरी कावा। बाबा बाबा। ये लोग मुझे बता क्यों नहीं रहे? छे, ए मिनी मास्टर, क्या हुआ? सब लोग हाथी डाके घर पे भी नहीं है? नहीं, सब सोड़ी के घर पे चाचा जी। अच्छा, तुझे कैसे पता चला? वो हाथी भाई को सोड़ी का फोन आया था। अच्छा चलो। अच्छा, आप किसी को ढूंढ रहे क्या? अरे नहीं भाई नहीं, मैं तो ऐसे ही खड़ा हूँ, खुली हवा का आनंद ले रहा हूँ। अच्छा अच्छा, छान छान। दोस्तों, गलतफहमी वो भेड़िया है जो भेड़ बकरियों में अगर घुस जाए तो फिर भगदड़ मचना लाजमी है, या फिर उस सांड की तरह के खेत में आ जाए तो फसल खराब करके ही निकलेगा। अब ऐसी किसी गलतफहमी के आसार बन रहे हैं गोकुलधाम सोसाइटी में। भाई भिड़े और रोशन भाभी को कहीं ये गलतफहमी ना हो जाए कि सोड़ी कोई पार्टी शार्टी कर रखे, और अगर ये गलतफहमी हो गई तो रोशन भाभी वो मरम्मत करेंगी सोड़ी की, कि ऐसी किसी गाड़ी की मरम्मत सोड़ी के गैराज में नहीं होती होगी। और कहीं चंपक चाचा को पता चल गया तो फिर सोचिए कि गोकुलधाम में तूफान आ जाएगा। भाई मुझे तो बहुत टेंशन है, लेकिन आपको पता चलेगा, सब कुछ पता चलेगा जब आप देखेंगे तारक मेहता का उल्टा चश्मा। लेकिन उसके पहले एक विशेष बात। साथियों, आज शरद पूर्णिमा, और कहा जाता है कि आज के दिन चंद्रमा अपनी सभी कलाओं में परिपूर्ण होता है, और आज के दिन चंद्रमा की किरणों से अमृत बरसता है। आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो यहाँ
गोकुल धाम में क्या होता है जानने के लिए देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।